आज हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृत क्या दशा है, मैं न कहूं तो अच्छा है। हमारे यहाँ कोई अध्यापक नहीं, हमारे यहाँ मतलब संस्कृत पाठशालाओं में, हमारे विद्यालय में तो जैसे तैसे हमने नियुक्त कर लिया था। हम धन्यवाद देंगे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने संस्कृत के विद्वानों को माध्यमिक स्तर तक ले आकर के उनको व्यवस्थित किया, उनको वेतन दिया माध्यमिक का, उनको सारी सुविधाएं दी। अरे वेतन भी शुरू किया हुआ है, स्केल जो वेतन का चल रहा है उन्हीं का किया हुआ है। और जब हमने अपने यहां नई नियुक्तियां की, उससे पहले मायावती जी ने विश्वविद्यालय से पूछा था कि नियुक्तियां क्यों रुकी हुई हैं, कोई प्रमाण कहीं नहीं था। अंत उन्होंने कहा प्राचीन पद्धति से विद्यालयों में नियुक्तियां की जाएं। उसका लाभ लेते हुए मैंने विश्वविद्यालय से एक्सपर्ट लेकर के और अपने यहां नियुक्तियां कर दी, जो 2-3-4-5-6-8 पद हैं, 8-9 पद नियुक्तियां कर दी। परंतु योग्य व्यक्ति नहीं मिला हमको। हमने तो उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए कहा कि हर धार्मिक पीठ अपने यहां संस्कृत विद्यालय खोले, सरकार उसमें सहयोग करेगी। और हमने तभी तमाम संस्थाओं को कहा कि देखिए शिक्षकों की तैनाती, संस्कृत के शिक्षकों की तैनाती आप करिए, लेकिन योग्यता को आधार बनाइए। लेकिन योग्यता कौन देगा? योग्यता तो मुझे लगता है कि संस्कृत के विश्वविद्यालय को, संस्कृत के संस्थानों को और आश्रमों को ही देना होगा। आश्रम अगर योग्य लोग, योग्य आचार्य दे दे तो संस्कृत की दुर्गति नहीं होगी। अयोग्य व्यक्ति संस्था को नष्ट जरूर कर देगा और मुझे लगता है कि उसके आने से संस्कृत की और भी दुर्गति होनी है, और संस्कृत की ही नहीं, संस्कृति की भी और भी दुर्गति होगी। इसलिए अयोग्यता से अच्छा है कि योग्य व्यक्ति को तराशने का कार्य और हर एक संस्था को इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना होगा, तब केवल सरकार के भरोसे योग्यता को तराशने का कार्य नहीं होगा।